एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित खजूरिया गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर ही है। लगभग 2200 की आबादी व 1011 वोटरों द्वारा अनीता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 201 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 13 हैंडपंपों को भी रिपोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 49 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 86 इज्जत घरों व 2 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट, पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत खजूरिया ब्लॉक मुरसान जिला हाथरस 80 शौचालय बनवा दिए, एक इंटरलॉकिंग करा दिए एक सड़क की और 49 स्ट्रीट लाइट, 13 नल वीवो और हेडपम्प मरम्मत तो चलती रहती है और मनरेगा के अंदर 2 सड़क संपर्क मार्ग बोलते हैं, एक चक रोड, 2 नाली, एक तालाब। कार्यों की मांगे हैं जैसे के मरगट बोलते हैं शमशान घाट और पानी की गांव के अंदर खराब हुआ है, खारी पानी हो गया है, टंकी की व्यवस्था है और किस्त कम है, काम तो काफ़ी पड़े हुए हैं।